तो दोस्तों अगर आप भी वेटिंग में टिकट बुक करते हैं और ये सोचते हैं कि ये टिकट कंफर्म होगा या फिर नहीं होगा, इतना परसेंट चांस बता रहा है मैं बुक कर देता हूं, तो यहां पर चारों ऐप में अलग अलग परसेंटेज चांस बता रहा है। अब दोस्तों इस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर ग्रीन कलर से शो हो रहा है आपका टिकट, तो दोस्तों अगर आप भी वेटिंग में टिकट बुक करते हैं और ये सोचते हैं कि ये टिकट कंफर्म होगा या फिर नहीं होगा, इतना परसेंट चांस बता रहा है मैं बुक कर देता हूं, तो दोस्तों आज मैं आपको सही बताने वाला हूं, या फिर दोस्तों आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन परसेंटेज सही बताता है। जैसा कि दोस्तों वेटिंग टिकट आप जब बुक करते हैं तो IRCTC के वेबसाइट पर चेक करते हैं, तो वहां पे आपका वेटिंग नंबर के साथ साथ परसेंटेज भी शो होता है कि आपका इतना परसेंट चांस है कि टिकट कंफर्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों IRCTC के ऐप में परसेंटेज शो नहीं होता है, सिर्फ वहां पर वेटिंग नंबर बताया जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ कंफर्म टिकट ऐप में चेक करते हैं तो वहां पर वेटिंग नंबर के साथ साथ इतना परसेंट चांस है कंफर्म होने का वहां पे भी बताया जाता है। और दोस्तों XU ऐप में भी बताया जाता है कि आपका इतना वेटिंग नंबर है और इतना परसेंट चांस है कंफर्म होने का। लेकिन दोस्तों जब आप पेटीएम में भी चेक करते हैं तो वहां पर वेटिंग नंबर के साथ साथ परसेंटेज भी बताया जाता है कि आपका इतना परसेंट चांस है कंफर्म होने का। तो दोस्तों आज मैंने डिसाइड किया कि इतना वेटिंग नंबर है तो सब में परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम बताना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर आपको आसमान जमीन का अंतर देखने को मिलेगा। दोस्तों यह सब बातें तभी समझ में आएगा जब आप को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप यह खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपका टिकट कितना परसेंट चांस हो सकता है उस डेट को कंफर्म होने का जिस डेट को आप टिकट बुक करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों आप टिकट बुक कर रहे हैं वेटिंग में यह सोच करके हाई परसेंट चांस होगा कि कंफर्म हो जाएगा। मान के चलिए दोस्तों अगर वो टिकट 100 वेटिंग में है तो दोस्तों अगर बताएगा 1% चांस तो 100% आप टिकट बुक नहीं करिएगा, क्योंकि जानते हैं। लेकिन दोस्तों अगर 70-80% बताएगा तब दोस्तों ये उम्मीद रखते हैं कि हाँ भाई टिकट कंफर्म होने की संभावना काफी हद तक है, इसलिए आप टिकट बुक करते हैं, वरना आप टिकट बुक करेंगे ही क्यों? जब 1% बताएगा तो बिल्कुल 100% श्योरिटी के कंफर्म नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों जब टिकट में परसेंटेज ज्यादा बताता है तो मोस्टली टिकट कंफर्म होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं कि आप खुद से परसेंटेज कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका टिकट कितना परसेंट चांस है कि कंफर्म हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं IRCTC की वेबसाइट से पटना से वापी के लिए ट्रेन टिकट सर्च किया। 22 नवंबर को मैंने सर्च किया, तब दोस्तों पटना से वापी जाने वाली ट्रेन एक ही ट्रेन थी, उसमें दोस्तों स्लीपर क्लास में वेटिंग लिस्ट 100 नंबर बता रहा था, तब दोस्तों वहां पर परसेंटेज 50% चांस बता रहा था। अब दोस्तों मैंने जब दूसरा कंफर्म टिकट ऐप से परसेंटेज चेक किया तो वहां पर भी वेटिंग नंबर तो सेम ही बता रहा था, लेकिन दोस्तों वहां पर परसेंटेज 58% चांस बता रहा था। अब दोस्तों तीसरा जब मैंने XU ऐप से चेक किया तो वहां पर भी वेटिंग नंबर तो सेम ही बता रहा था, लेकिन दोस्तों यहां पर परसेंटेज के आसमान जमीन के फर्क थी। दोस्तों यहां पर परसेंटेज 90% चांस बता रहा था टिकट कंफर्म होने का। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं आप लोग लाइव में अलग अलग ऐप में अलग अलग परसेंटेज शो हो रहे हैं। और फाइनली दोस्तों मैंने पेटीएम ऐप से भी चेक किया तो वहां पर वेटिंग नंबर तो सेम बताए जा रहे थे, लेकिन दोस्तों वहां पर परसेंटेज 36% बता रहे थे, 36% मात्र। तो दोस्तों ऐसे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिरकार मैं किस ऐप पे विश्वास करूं, कौन सा सही बताएगा परसेंटेज, कितना परसेंट चांस है इस टिकट कंफर्म होने का। चूंकि दोस्तों यहां पर चारों ऐप है, चारों ऐप में अलग अलग परसेंटेज चांस बता रहा है। अब दोस्तों इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको यह करना है कि फाइनली उस ट्रेन में देख लेना है कि कितना वेटिंग गया है और कितना भी बच गया है टिकट कंफर्म होने का। तो जब मैंने उस ट्रेन में देखा कि कितना वेटिंग नंबर बुक हुआ है तो उस ट्रेन में 199 पूरे वेटिंग टिकट बुक हुए थे, लेकिन दोस्तों 100 टिकट बच गए थे वेटिंग नंबर कंफर्म होने के। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है अगर वेटिंग टिकट लिखा हुआ रहता है तो वेटिंग नंबर 199/100 लिखा होता है, इस तरीके का आपको भी नंबर लिखा होता है, अलग अलग ट्रेन में अलग अलग वेटिंग नंबर होते हैं। तो दोस्तों इस ट्रेन में लिखा हुआ था 199/100, तो दोस्तों 199 का मतलब होता है कि पूरी ट्रेन में वेटिंग लिस्ट 199 लोग टिकट बुक किए हैं। और दोस्तों 100 जब नंबर लिखा हुआ है उसका मतलब होता है दोस्तों 100 गो का अभी भी टिकट बच गया है टिकट कंफर्म होने का। तो दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं कि 200 टिकट में 100 गो बच गए हैं, इसका मतलब दोस्तों 50% चांस है टिकट कंफर्म होने का। तो दोस्तों फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद हमें समझ आया कि 50% चांस है इस टिकट कंफर्म होने का। लेकिन दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कंफर्म टिकट ऐप में 58%, XU ऐप में 90%, पेटीएम में 38% और IRCTC की वेबसाइट पे 50%। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कौन सा ऐप या फिर वेबसाइट सही बता रहा है। तो दोस्तों अब आप सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि क्या XU या फिर कंफर्म टिकट, पेटीएम ऐप ये सब गलत बता रहा है परसेंटेज। तो दोस्तों ये सब का जवाब है बिल्कुल भी नहीं है। तो IRCTC की वेबसाइट पर इस अनुमान से परसेंटेज बताया जाता है कि पिछले एक महीने में कितने वेटिंग टिकट कंफर्म हुए थे, कितने वेटिंग टिकट बुक हुए थे, इस तरीके के अनुसार से परसेंटेज IRCTC की वेबसाइट में बताता है। लेकिन दोस्तों कंफर्म टिकट ऐप में और XU ऐप में यहां पर एक साइन होता है जिसे आपको समझना होता है कि आपका टिकट में कितना परसेंट चांस है कंफर्म होने का, और अगर वो साइन है तो आप उसके अनुमान से पता लगा सकते हैं कि आपका वेटिंग टिकट हाई चांस है कंफर्म होने का या फिर मीडियम चांस है या फिर लो होने का। जैसा कि दोस्तों पहला अगर ग्रीन कलर से शो हो रहा है तब दोस्तों आपका टिकट का हाई चांस है कंफर्म होने का, लेकिन दोस्तों अगर आपका पीला
पीला कलर येलो कलर से शो हो रहा है तब दोस्तों आपका मीडियम चांस है कन्फर्म होने का। लेकिन दोस्तों अगर आपका रेड कलर से शो हो रहा है तब दोस्तों सबसे कम चांस है, लो चांस है टिकट कन्फर्म होने का। दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि 100% कोई भी चीज़ 100% होता है, कन्फर्म होता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई भी ऐप 99% भी बताता है दोस्तों, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1% भी तो बता रहा है कि आपका टिकट कन्फर्म नहीं होगा। तो आप कैसे मान सकते हैं कि मेरा टिकट 100% कन्फर्म है? दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस को अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि अगर आपका कन्फर्म टिकट या फिर एक्जी ऐप में परसेंटेज 70% से ज़्यादा बता रहा है या फिर दोस्तों अगर ग्रीन कलर का शो हो रहा है तब दोस्तों वेरी हाई चांस है टिकट कन्फर्म होने का। तब दोस्तों आप आसानी के साथ टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 10 में से 9 टिकट ही इस तरीके से कन्फर्म होते हैं। अब आपका नहीं है कि मैंने तो 75% में टिकट बुक किया था, ग्रीन टिकट हो रहा और कन्फर्म नहीं हुआ। दोस्तों ऐसा दोस्तों अगर आप 10 टिकट मान के चलिए कोई 10% बुक करेंगे तब दोस्तों मान के चलिए कि 8 या फिर 9 टिकट कन्फर्म हो जाते हैं। मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ। अब 10 का 10 दोस्तों ग्रीन बता रहा है तो दोस्तों 10 का 10 तो कन्फर्म नहीं हो सकता है। दोस्तों फाइनली मतलब यहाँ पे यह बताया कि अगर आप वेटिंग में टिकट बुक कर रहे हैं तब दोस्तों अगर ग्रीन कलर का बता रहा है एक्जियो और कन्फर्म टिकट ऐप में तब दोस्तों आपका टिकट कन्फर्म होने की संभावना हाई चांस है, बहुत ही हाई चांस है कि कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सियोरिटी तो नहीं है ना कि कन्फर्म हो जाएगा। अब दोस्तों IRCTC की वेबसाइट पर भी बताया जा रहा है 50% चांस, सियोरिटी तो नहीं ना कि कन्फर्म हो जाएगा। IRCTC की वेबसाइट पर भी कभी कभी 70% 80% टिकट चांस बताता है लेकिन दोस्तों कन्फर्म नहीं हो पाता है। तो दोस्तों अब हम फाइनली आपको बताते हैं कि खुद से कैसे परसेंटेज को चेक कर सकते हैं अगर वो टिकट वेटिंग में है तो कितना परसेंटेज की चांस कन्फर्म हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अगर वेटिंग लिस्ट अगर आप बुक कर रहे हैं तो वहाँ पे 2 नंबर दिखाई देंगे, जैसे कि दोस्तों WL 100/20 लिखा हुआ है। इसका मतलब दोस्तों 100 टिकट में 20 टिकट बचा हुआ है, मतलब दोस्तों 80% चांस है। या फिर दोस्तों WL 100/WL 80 इसका मतलब है दोस्तों 80 को टिकट अभी 100 में से बच गया, मतलब दोस्तों 20% कन्फर्म होने का चांस है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो आज का पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।